गाइस, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं साइड में डबल डॉल पे वीडियो टिकटॉक पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है। तो आज मैं आपको इसी वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ, इस तरह के वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ वीडियो को कैसे शूट करना है और कैसे एडिट करना है। तो इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में काइनमास्टर एप्लीकेशन का लिंक दे चुका हूँ और एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आपको फर्स्ट क्लिप का वीडियो कुछ इस तरह से शूट कर लेना है, इसके बाद सेकेंड वीडियो कुछ इस तरह से शूट कर लेना है। तो मैंने अलग अलग पार्ट में फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट का वीडियो शूट किया हूं। तो आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पर आना है। इसके बाद जो आपने वीडियो शूट कर रखे उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट का वीडियो एक ही साथ शूट कर लिया हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ब्लैंक दिख रहा है। वीडियो कलर पे क्लिक करेंगे, कैची के निशान पे क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा है ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे और यहाँ से हम एंट्री करना चालू करते हैं। देख सकते हैं वीडियो हमने कुछ इस तरह से शूट किए हैं, तो आपको भी कुछ इस तरह से शूट कर लेना है। शूट करने के बाद आपको लास्ट में देखना है, वो एक्स्ट्रा पार्ट तो नहीं है, एक्स्ट्रा पार्ट है तो उसे आपको ट्रिम टू राइट कर देना है। इसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है, लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है और यहाँ पर बैकग्राउंड पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कलर पे क्लिक करेंगे और इस कलर को आपको ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर देना है। इसके बाद कुछ इस तरह से जूम करना है और कुछ इस तरह से आपको साइड में लेकर आ जाना है और इस ग्रीन स्क्रीन को आपको फुल में कर देना है। ग्रीन स्क्रीन पे लेयर पे क्लिक करेंगे और कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर एडजस्ट करना है और यहाँ पर की पे क्लिक करना है और इस ग्रीन स्क्रीन को कुछ इस तरह से आगे की तरफ करना है। प्लस पर क्लिक करेंगे और कुछ इस तरह से आगे की तरफ लेके जाएंगे। फिर से इसको वीडियो को आगे की तरफ लेकर आना है आपको। फिर से प्लस पे क्लिक करेंगे, फिर से इस ग्रीन स्क्रीन को आगे की तरफ करना है, आपको हल्का हल्का आगे की तरफ लेकर आना है। इसके बाद वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, ओरिजिनल साउंड को आपको म्यूट कर देना है। जब फाइनली हम वीडियो प्ले करेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट पॉइंट पर आना है और एक्स्ट्रा पार्ट जो भी है इसे आपको ट्रिम टू राइट कर देना है। इसके बाद सेटिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। तो हमारा यहाँ पे सेकेंड पार्ट का वीडियो एडिट हो चुका है। इसके बाद बैक करते हैं, बैक करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पर आना है। इसके बाद जो फर्स्ट पार्ट का वीडियो आपने शूट कर रखे उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने फर्स्ट पार्ट का वीडियो इसी पार्ट में शूट कर रखा हूँ कुछ इस तरह से, आपको भी कुछ इस तरह से ही शूट कर सकते हैं या फिर इससे भी बेहतरीन शूट कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट पार्ट का वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा अटेम्प टू लिफ्ट कर देंगे। इसके बाद मैंने कुछ इस तरह से शूट किया था और पीछे की तरफ आपको आ जाना है, बस आपको इतना ही वीडियो शूट करना है कुछ इस तरह से, ठीक है। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को मैं ट्रिम टू राइट कर देता हूँ। इसके बाद जैसे आगे की तरफ लेकर आना है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते यहाँ पर डरे जैसे पीछे की तरफ आ रहे हैं, लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है, इस पोजिशन में ही आपको आना है और आपने जो वीडियो एक्सपोर्ट किए थे उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसे आप फुल स्क्रीन में कर देना है, वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है क्रोमा की का, क्रोमा की को इनेबल करना है, कलर की पे आना है, ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेना है और इसे आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट आपको कर देना है। अब देख सकते हैं फाइनली जब आप वीडियो प्ले करेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर सही से एडजस्ट करना है। सिंपल इसे थोड़ा हल्का पीछे की तरफ लेकर आना है। अब देखते हैं कुछ एडजस्ट कर, अब देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी ध्यान से एडजस्ट करना है, बस देख सकते हैं हमारा वीडियो यहाँ पे फाइनल एडजस्ट हो चुका है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं लास्ट में आपको बैकग्राउंड एक सेलेक्ट करना पड़ेगा, मीडिया पर आना है, बैकग्राउंड पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको स्मोकिंग इफेक्ट लगाना है, इसलिए आपको करना क्या होगा, लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां से आप बिल्कुल आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसे हम फुल स्क्रीन में करते हैं, इसके बाद लास्ट पॉइंट पे आना है और एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे और यहां पे आपको क्रोमा की को इनेबल कर देना है और कुछ इस तरह से एडजस्ट आपको कर देना है, ठीक है। इसके बाद ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको आना है कलर फिल्टर में
और यहाँ पे आपको ब्लैक एंड व्हाइट सेलेक्ट कर लेना है। अब जब फाइनली वीडियो आप प्ले करेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आते हैं, लेयर पे आते हैं, मीडिया पे आते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद कैची के निशान पर क्लिक करना, एक्सट्रैक्ट आइडियो कर देना है। इससे क्या होगा, वीडियो में से जो भी आइडियो है वो आपका बाहर आ जाएगा। वीडियो को डिलीट कर देना है, सेटिंग पे क्लिक करना है, आइडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है, शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सेलर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको किसी भी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।